हेलो गाइज, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 2023 में पंच लेना एक सच में एक सही डील है या नहीं, या पंच को छोड़ के हम किसी और कार को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। हम कोई हैचबैक कार जिसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, तो जो भी कंपैरिजन होगा या जो भी बात होगी वो सिर्फ एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से रिलेटेड होगी। तो बात करते हैं कि क्या इस साल 2023 में पंच लेना वाकई में एक समझदारी वाली बात है या नहीं। सो सिंपली यार, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी प्रीवियस भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, मैंने हमेशा कंसिडर किया है कि अगर आप पंच ले रहे हैं तो आप इसके स्टार्टिंग मॉडल्स जो हैं प्योर एंड एडवेंचर इन तक जाए। जो स्टार्टिंग मॉडल्स हैं वो इस गाड़ी के वैल्यू फॉर मनी है। ये कार स्टार्ट होती है अराउंड 6 लाख टू जाती है 9.5 लाख एक्स शोरूम तक। तो जो इसके स्टार्टिंग रेंज है उसमें आप जा सकते हो विदाउट एनी डाउट। आप कोई सी भी एडवेंचर या प्योर कोई भी पिक कर सकते हो मॉडल। वो इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल वैसे एडवेंचर मॉडल है, बट आप इनमें से कोई सा भी पिक कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट डील है। बात करूं इसके कंपैरिजन में, और भी कुछ ब्रांड्स आते हैं जैसे कि सिट्रॉन। सिट्रॉन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता, अदरवाइज मैं आपको बता दूं सिट्रॉन में आप चलाओगे तो उसका ड्राइव रिव्यू इससे बेटर है, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा सिट्रॉन चलाने में। वैसे के लिए बता दूं, बट यार सिर्फ एक ड्राइव रिव्यू के बेसिस पे मैं आपको कार रिकमेंड नहीं करता, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके को कंसिडर करके ही मैं कोई कार आपको बताता हूँ। तो अगर आप सिट्रॉन अगर देखोगे तो थोड़ा आपको मज़ा ज़्यादा सिट्रॉन में आएगा चलाने में, बट इसमें थोड़ा कम आएगा। बट और फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करोगे, गाड़ी की रीसेल वैल्यू सिट्रॉन की इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। गाड़ी की सर्विसिंग भी अगर मैं आपको बोलूं तो टाटा आपको हर स्टेट पे सर्विसेज इसकी अवेलेबल है, आप इजीली कहीं से भी इसकी सर्विसेज करा सकते हो। तो जो आफ्टर सेल सर्विस है वो टाटा में बेटर है सिट्रॉन के कंपैरिजन। तो और सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार एक कार को लेके, तो जिनके बेसिस पे ही मैं कार रिकमेंड करता हूँ। इसीलिए मैं सिट्रॉन ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, सिट्रॉन को रिकमेंड नहीं करता टाटा के कंपैरिजन में, स्पेशली पंच के कंपैरिजन में। और अगर मैं इस सेगमेंट में बात करूँ तो आपकी मैग्नाइट एंड आपका काइगर आती है। मैग्नाइट और काइगर का सीन ये है यार, अगर आप इसके सीवीटी मॉडल तक जा रहे हो, इसका जो बेस्ट अगर आप लेना चाहो, अगर आप सीवीटी कंसिडर कर सकते हो, सीवीटी ले सकते हो, तो सीवीटी आप ले सकते हो इस कार में, बिकॉज सीवीटी ही इस इन कार्स में बेस्ट है। बट सीवीटी की कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, इसीलिए ये कार्स भी मैं बाहर ही कर देता हूँ इस लिस्ट से। इसीलिए अगर देखा जाए यार, अगर सीवीटी अगर इसकी कॉस्ट करते हो तो सीवीटी 10-11 के अराउंड कॉस्ट करता है, और फिर मैं कंसिडर नहीं करता कि आप मैग्नाइट और काइगर के सीवीटी मॉडल के लिए 10-11,000 दो, 11 लाख दो। तो इसीलिए मैग्नाइट और काइगर को मैं बाहर करता हूँ इस रेस से। बात करूँ तो बचता क्या यार, बचता है इसके पंच के जो स्टार्टिंग मॉडल्स हैं, दैट इज प्योर एंड एडवेंचर। प्योर एंड एडवेंचर आप बिना किसी डाउट के ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो इस अगर आप अभी भी कोई कार कंसिडर कर रहे हो लेने की, तो आप इन दोनों मॉडल्स पे जा सकते हो। अगर आपको इसके हायर मॉडल्स पे जाना है तो यार देखो, हायर मॉडल्स में जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं, मैं ये नहीं करता, मेरे को ऐसा देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मेरे को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज है वो मॉडल्स, तो उस मॉडल्स मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। अगर आप उस मॉडल का बजट रखते हो और आपको उस मॉडल पे जाना ही है, तो आप नेक्सॉन का XM वेरियंट कंसिडर कर सकते हो। उस अगर आप टॉप मॉडल लेना चाहते हो पंच का, तो उसके बदले आप नेक्सॉन XM मॉडल कंसिडर कर सकते हो। आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो, ब्रेजा का बेस मॉडल आप कंसिडर कर सकते हो। इसी प्राइस रेंज में आपको वेन्यू का एस मॉडल मिल जाता है, वेन्यू एस आप वो कंसिडर कर सकते हो। वो भी 1.2 लीटर में मिलता है, बट 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ आता है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है उसका, गियर शिफ्टिंग भी काफी स्मूथ है ह्यूंडई में, तो आप उस कार को भी कंसिडर कर सकते हो रदर देन गोइंग फॉर द टॉप मॉडल ऑफ पंच। वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेजा, इन कार्स को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप टॉप मॉडल लेने की सोच रहे हो। तो पंच आप नो डाउट ले सकते हो, पंच एक बढ़िया कार है। इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने अपनी वीडियोस में बताए हैं। अदर देन दैट पंच आप नो डाउट आप अभी भी 2023 में भी पंच को कंसिडर कर सकते हो, एंड अभी तक मेरे को पंच के साथ कोई इशू नहीं है। 10,000 अराउंड मैं इसको चला चुका हूँ, एक साल मुझे हो चुके इस गाड़ी को ऑन करते हुए। काफ़ी सारी रोड कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशंस,
और ड्राइविंग कंडीशंस पे मैंने इस कार को ड्राइव किया है, सो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है इस कार में, काफ़ी अच्छी चलती है। और ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ मेरा इस कार का नहीं है, मैं करंटली और ब्रांड्स भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसी के बेसिस में आपको बता रहा हूँ कि आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। बट हाँ, अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो इसके बेस मॉडल्स और इसका जो सेकेंड बेस मॉडल है दैट इज़ एडवेंचर, वो आप कंसिडर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदर देन दैट सिंपल है यार, कार सब बढ़िया है, सब कार्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट में, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे आप अपनी कार सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज गाइस, इस छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।